गुड मॉर्निंग, मैं बोल रही हूँ सतांकी। तो देख लीजिए, तो पहले मैंने आपको ये 5 ट्री समझा दिया है। ये क्लास 4 का है, ये याद रखना। तो आज मेरी मम्मी भी नहीं है तो मैं आपको पढ़ाने आ रही हूँ। तो पहले है टिक द करेक्ट आंसर, ये दिखा दूंगी। द प्रिटी लिटिल फायर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स। किसके लिए खुश थे? गोल्ड लीव्स के लिए। पर क्या हुआ? ए गोट केम अलोंग एंड एट देम। मतलब खैर खैर, जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं गोल्ड लीव्स को, खैर। वो क्या गोट खैर खाते हैं? नहीं। ऑल द लीव्स गोट वेल वेट इन रेन। क्या पत्ते सारे भीग के? नहीं। ए मैन स्टोल देम। क्या एक इंसान ने छीन लिया? हाँ, क्योंकि स्टोरी में था। ठीक है, तो नेक्स्ट दिखाती हूँ। बी नंबर है द फायर ट्री वॉज सैड। क्यों दुखी थे? देखिए, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स। हाँ, इसलिए दुखी थे। बिकॉज इट हैड नीडलेस लाइक लीव्स, इसलिए। या बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट। कौन सी के लिए? बिकॉज इट हैज नीडलेस लीव्स, मतलब काटे काटे वाले पत्ते थे जो बहुत चुभते थे। तो पहले वाला ये टिक कर लो, दूसरा वाला भी ये टिक कर लो। टिक करना, मैंने ठीक लिखा है, गलत समझ के टिक टिक नहीं करोगे तो आपकी मैम भी डांटेगी। अगर होमवर्क नहीं किया तो होमवर्क भी दे सकती है। तो सी नंबर है द फायर ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स। क्या वो खुश नहीं था? क्योंकि ए मैन स्टोल देम, क्योंकि एक इंसान ने उसे छीन लिया। देखो इधर इस सेंट सारे तो सेम ही लिखना है, पर जहाँ रेड स्टिक सर्कल किया है उसको हमारा ऑपोजिट लिखना है। जैसे बाय चेंजिंग द सर्कल वर्ड द ऑपोजिट, राइट द ऑपोजिट, मतलब जो सर्कल किया उसका ऑपोजिट लिखना है हमें। जैसे लाइट का ऑपोजिट होता है हैवी। तो नेक्स्ट है रीना वन द रेस, तो वन में सर्कल है तो रीना लूज द रेस, क्योंकि लूज का ऑपोजिट लूज ऑपोजिट है। वन का ऑपोजिट लूज होगा, LOSS लूज। अगर आपको हैंड राइटिंग समझ नहीं है तो मैं समझा दूंगी, कोई बात नहीं। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। तो लव का ऑपोजिट है हेट, HATE। दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज फुल, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। फुल का ऑपोजिट एम्प्टी है, EMPTY। मैं थोड़ा जल्दी कर ली हूँ, इतना तक ही करा दूंगी आज। द ओल्ड मैन इज वाइज बट द ओल्ड मैन इज फुलिश, FOLLISH फुलिश। ये गलत भी हो सकता है, प्लीज़ ये चेक कर लीजिएगा। तो बाय, इतना तक ही, कल मैं दूसरा करूँगी, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ।